कोलकाता रेप मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वारदात की रात को आरोपी संजय रॉय द्वारा इस्तेमाल की गई बाइक कोलकाता पुलिस आयुक्त के नाम पर पंजीकृत थी। सीबीआई ने दो दिन पहले ही आरोपी की बाइक को जब्त किया था। सीबीआई के मुताबिक आरोपी संजय रॉय की ये बाइक साल 2024 मई में रजिस्टर्ड कराई गई थी। पुलिस के नाम पर रजिस्टर्ड बाइक से आरोपी ने नशे की हालत में 15 किलोमीटर का सफर तय किया था। इस जानकारी के सामने आने के बाद मालूम होता है कि मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय और पुलिस के तार कहीं न कहीं आपस में जुड़े हुए हैं और ये सबूत सीबीआई के हाथ लग गए हैं। सीबीआई द्वारा जब्त की गई ये वही बाइक है जिसको आरोपी वारदात की रात को नशे की हालत में चला रहा था। आरोपी ने वारदात की रात को इस बाइक से 15 किलोमीटर का सफर तय किया था। सीबीआई सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि उसके पास ये बाइक कहां से आई थी, क्या ये बाइक उसकी थी या किसी और की थी। जिसमें सीबीआई को मिली जानकारी में पता चला कि ये बाइक कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब सीबीआई इस बात का पता लगा रही है कि आरोपी के पास ये बाइक कहां से आई थी, क्योंकि एक सिविक वॉलंटियर होने के नाते उसे पुलिस के नाम पर रजिस्टर्ड बाइक चलाने का कोई अधिकार नहीं था।